नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज। चाइनीज दूल्हा पाकिस्तानी दुल्हन, शादी के बेहद खुशनुमा माहौल, अति खुशी जिंदगी निभाने की कसम की रस्में पूरी हो जाती हैं। इस तरह की शादियां दुनिया भर में आम है। जब दूल्हा किसी और देश का होता है और दुल्हन किसी और देश की, तो पाकिस्तान में अगर ऐसी शादियां हो रही हैं तो इसमें आखिर खास बात क्या है। वैसे भी चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया भर में जाहिर है और ये दोस्ती रिश्तों की डोर से बंध रही है, तो हर्ज ही क्या है। लेकिन कौन जानता है कि ऐसी शादियों का अंजाम क्या होगा। दरअसल कहानी ये नहीं है जो कि इन तस्वीरों में दिखाई जा रही है। चीनी युवकों के पाकिस्तानी लड़कियों की तस्वीरों के पीछे कहानी छिपी है, वो बड़ी धोखेबाजी वाली है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में डिपैक का काम चल रहा है। इसके लिए बड़ी तादाद में चीनी इंजीनियर और कर्मचारी आए हुए हैं और अपने काम के साथ वो ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी कीमत पाकिस्तान की बेटियों को अपनी बर्बादी के साथ चुकानी पड़ रही है। और ये काम है पाकिस्तानी लड़कियों से प्यार रचाने के बाद उन्हें चीन ले जाने। असल में बात सिर्फ शादी करने, रिश्ते बनाने, घर बसाने तक की सीमित नहीं है। अगर ऐसा होता भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन जो सच्चाई निकल कर आ रही वो लोगों को हैरान कर दी। पाकिस्तान के एक चैनल में स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया गया। इंपैक्ट में आए चाइनीज काम से ज्यादा दुल्हन की तलाश में रहते, दोस्ती के बाद बात शादी तक पहुंच जाती है। चीनी युवक पाकिस्तान में मुसलमान बन जाते हैं, लेकिन चीन ले जाकर उन पर अत्याचार करते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि चीन में सेक्स रेशियो बिगड़ चुका है। शादी करने के लिए लड़कियां नहीं है, इस वजह से लड़कों को वहां दहेज भी देना पड़ता है। पाकिस्तान की गरीबी के कारण उनसे शादी करना बेहद आसान है। कई चीनियों ने शादीशुदा होकर भी दूसरी शादी कर ली। इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही। इसमें चीन की सरकार की भी रजामंदी है और वो ऐसे लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है और इसका शिकार हो रही है पाकिस्तान की मासूम बेटियां। आरोप ये भी है कि पाकिस्तान की बेटियों की मानव तस्करी का भी काम चल रहा है। आरोप ये भी है कि पाकिस्तान की बेटियों से मानव तस्करी का भी काम चल रहा है। जो लड़कियां चीन गई हैं उनका कोई भी पता नहीं, क्योंकि चीन ले जाने के बाद उन लड़कियों को उनके घर वालों से भी बात करने का मौका नहीं दिया जाता है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।